नमस्ते सत श्री अकाल आदाब, मैं सुलेखा गढ़वाल एंड द पेंटिंग मैजिक में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं ग्रेफाइट पेंसिल से कुछ लाइक अभी तक आपने मेरी वीडियोस देखे होंगे, मैं काफ़ी दिनों से चारकोल में कर रही हूँ। चारकोल में पोर्ट्रेट, स्केच, मैंने ये सारे बनाए हैं और आज मैं बहुत टाइम बाद ग्रेफाइट पेंसिल से लेयर बाय लेयर वाला का अपना काम स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली मैं करती तो हूँ, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाने के उससे ही कर रही हूँ ग्रेफाइट। बाकी खुद का काम मैंने भी काफ़ी टाइम से ग्रेफाइट में नहीं किया है, तो आज हम वो करेंगे। मजा आने वाली है क्योंकि ग्रेफाइट में हम थोड़ा लेयर बाय लेयर रियलिस्टिक करने वाले हैं। और आज हम बनाएंगे एलिफेंट, एलिफेंट की एक पेंटिंग बनाएंगे, स्केच बनाएंगे, वट एवर वी कॉल दैट, क्या स्केच बनाएंगे और उसको थोड़ा रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करेंगे और इसे हम ग्रिड से करेंगे। तो ग्रिड से कैसे करते हैं ये भी देखिए। ओके, तो चलिए करते हैं। सो गाइज, इसके लिए मैंने लिया है A5 साइज़ का पेपर। पहले मैंने सोचा नहीं, मैं A3 में करती हूँ, एंड देन आई थॉट कि नहीं, A4 में जाना चाहिए, एंड फाइनली आई गो विथ A3। ओके, A5 सॉरी, है ना। फिर मैं A5 में गई एंड मैंने A5 स्केच बुक की, क्योंकि मुझे इस स्केच बुक को नहीं करना है, इस स्केच बुक के लिए मैंने कुछ अलग सोचा है कि मैं एक स्केच बुक का पूरा वीडियो डालूंगी, तो उसके लिए मैंने ये एक छोटी सी स्केच बुक खरीदी है। तो मैंने पहले A5 साइज़ के सेंटीमीटर्स में मेज़र किया कि कितना होता है, कितनी लेंथ, कितनी वेथ होती है, एंड उसको A3 साइज़ की सीट में मेज़र करके काट लिया। पहले मुझे सोचा था कि मुझे इस ड्राइंग को मिटाना पड़ेगा, पर थैंक गॉड मुझे नहीं मिटाना पड़ा, बिकॉज मैंने साइड से आ गया था, साइड में इतनी काफ़ी जगह थी कि मैं A5 साइज़ का पेपर निकाल सकूं। तो बस मैंने A5 साइज़ का पेपर निकाला, उसे कट किया, एंड देन मैंने अपनी ड्राइंग स्टार्ट की। अभी हमने ग्रिड किए हैं, ग्रिड के लिए मैंने एक ऐप यूज़ किया है, उस ऐप को मैं लिंक में डाल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूँगी, तो आप देखिए। एंड अभी मैंने उसमें कुछ नहीं है, बस आपको जो भी साइज़ चाहिए आप उसमें डाल दो, बहुत इजीली आ जाता है। आपको जितने भी बॉक्सेस चाहिए तो वो अपने पेपर पे भी एक्यूरेट बैठते हैं। तो एक्चुअली मैं ज़्यादा ग्रिड से करती नहीं हूँ, तो मुझे आइडिया नहीं है, जो ग्रिड से करती हूँ वो सोच रहे यार क्या बता रही है, ये तो बहुत सरल है ना। तो बस, और हो सकता है कि मेरे जैसे बहुत से लोग हों जिनको नहीं पता हो, जो ग्रिड में नहीं करते, है ना, तो इसलिए। तो बस उसको सारे को डाल दो ना तो एक्यूरेट आ जाते हैं। फिर वो सारे बॉक्स मैंने यहाँ पे बनाए हैं 1-1 सेंटीमीटर के, एंड देन अपनी ड्राइंग ट्रेस की है, जितना भी जिस बॉक्स में ड्राइंग थी उसके अकॉर्डिंग मैं ड्राइंग करती गई, एंड एक्यूरेट आपकी ड्राइंग आ जाती है। तो बस मैंने वो ड्राइंग ट्रेस की है, एंड देन मैंने शेड स्टार्ट कर दी है। मैंने शेडिंग के लिए ली है सबसे पहले तो मैकेनिकल पेंसिल 0.5 mm की। इस पेंसिल की सबसे अच्छी बात कि शेडिंग बहुत स्मूथली हो जाती है, सबसे ज़्यादा लाइट शेड निकल जाता है, और अगर आप नॉर्मल 2B 4B से करें तो उनके लिड थोड़े मोटे होते हैं तो वो दिखते हैं, ग्रेन्स दिखते हैं, बट इसमें पेपर में ग्रेन्स नहीं दिखते हैं, स्मूथली हो जाती है, एंड लाइट से लाइट शेड निकाल सकते हैं। तो बस अच्छी है, मज़े हैं। और अभी हम करेंगे पूरे पे पहले तो फर्स्ट कोड, एंड देन हम, वैसे तो मैं साथ में ही करती जा रही हूँ कि जो भी मुझे डार्क लग रहा है, और जिस बे में शेड्स जा रहे हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ जिस बे में शेड्स जा रहे हैं स्टार्टिंग से ही पेंसिल को उसी बे में चलाना स्टार्ट करो, जिससे कि आपकी शेडिंग कभी भी फ्लैट ना लगे एंड ऑल। अगर उठ के जा रहे हैं अगर तो शेड्स, और अगर हम उसको उठ के ना बनाएं, फ्लैट शेडिंग करें, सीधी पेंसिल चलाएं तो वो फ्लैट देखते हैं, वो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। शेडिंग का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ बस पेंसिल को घिसते जाएं, नहीं, उसको उसी बे में बनाना चाहिए जिस बे में आपके ड्राइंग के फोल्ड्स, अगर आप कपड़ा बना रहे हो जिसके फोल्ड्स जा रहे हैं, शेड्स जा रहे हैं, तो बस उसी बे में शेड्स करो, इट्स ईजी। ओके, तो अभी हम सारे इस तरीके से शेड करेंगे।
सो गाइज, अभी हमारा इतना हुआ है, जैसे कि मैंने बताया था हम पेंसिल से शेडिंग करते हुए चलेंगे, रेंडरिंग करते हुए, तो इस अकॉर्डिंग टू दिस रेफरेंस अभी हमने इतना कर लिया है। एंड अभी रात के 3:30 हो गए हैं, तो अब हम इसे नेक्स्ट डे करेंगे। गुड नाइट। सो गाइज, दिन में तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई हूँ, तो अभी हम वापस अपनी रात पे आ गए हैं। अभी हम पूरी रात बैठ के इसको वापस से करने वाले हैं, और आज हम बढ़िया से डिटेल्स में जाने वाले हैं, क्योंकि हमने देखा है कि हाथी की सूंड पे बहुत सारी झुर्रियाँ होती हैं, बहुत सारी वो सुकड़न सुकड़न हमको बनानी होगी, तो वो सारी डिटेल्स आज हम करेंगे अभी, और आज हम इसे ख़त्म भी कर देंगे। सो चलिए करते हैं, और ध्यान से देखिए कि हर एक डिटेल्स में कैसे करके मैं अपनी पेंसिल्स को मोड़ रही हूँ, और कैसे कैसे करके उनको और शेड डालते हुए जा रही हूँ, डार्क पे, लाइट पे। तो स्टे ट्यून। सो गाइज, इट्स कम्प्लीटेड, एंड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसी लगी है। एंड एंड तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ तक आए हो तो गाइज चैनल सब्सक्राइब करके जाइए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।